हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित हियर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टेबल योर क्रॉसहेयर वाइल जिगलिंग। तो मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, और काफी सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, बट कुछ चार पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, जिसने भी अभी तक लाइक बटन पर क्लिक नहीं किया फटाफट से लाइक बटन पर क्लिक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे इंट्रो के बाद। ओके गाइज, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर वन। सबसे पहले तो आपको अपनी सिटिंग पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको बैठना चाहिए अगर आप अपना क्रॉसर स्टेबल रखना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से बैठे हो किसी चेयर पे तो मेक श्योर कि आपकी जो एल्बोज है वो आपकी बॉडी के क्लोज में रहे। अगर आप बिल्कुल इसे ओपनली करके रखोगे, लाइक आगे करके आप क्रॉसर से हिप फायर देने की कोशिश करोगे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मूव होगा और बहुत ही ज़्यादा शेकी सा हो जाएगा। तो कोशिश करो कि इसको एल्बो को अपने आप बॉडी के क्लोज ला के रखो ताकि आप टाइटली अपने फ़ोन को पकड़ सको। तो मेक श्योर कि आपकी सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छी हो, तब जाके आप प्रॉपरली क्रॉसहेयर को स्टेबल कर पाओगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी लोगों को तो पता होगा ऑलरेडी अगर आप पहली बार वीडियो नहीं देख रहे तो, कि मेरा जायरोस्कोप सेंसिटिविटी है 400। अगर मैं 400 सेंसी पे भी इतना स्टेबली खेल पा रहा हूँ तो आप तो यार आराम से खेल सकते हो अगर आप थोड़ी सी कम पे खेलते हो तो। बट अगर फिर भी स्टेबल नहीं हो रहा तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो करो। सबसे पहले तो पोजीशन ठीक करो अपनी, उसके बाद आपको डिवाइस किस तरह से पकड़ना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो भी लोग थंब प्लेयर है उनको तो पता होगा डिवाइस कैसे पकड़ा जाता है, बिकॉज अगर आपके दोनों थंब्स स्क्रीन पे रहते हैं ना टच, तो डिवाइस बहुत ही आप ग्रिप से पकड़ सकते हो, अच्छे टाइट ग्रिप से, ठीक है। बट अगर आपका एक भी थंब ऊपर की साइड रहता है, लाइक आपका एक भी थंब टच नहीं हो रहा है, ठीक है, एक थंब टच हो रहा है और एक थंब टच नहीं हो रहा है, तो डिवाइस आप ज़्यादा कस के नहीं पकड़ पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, दोनों थंब स्क्रीन पे रखो, ठीक है, और ऊपर दो उंगलियाँ रखो और जिससे आप फायर करोगे और जिससे एडीएस करोगे, ठीक है, और दोनों थंब को इस तरह से चिपका के रखो स्क्रीन पे, जिससे क्या होगा डिवाइस कस के पकड़ लोगे तो आप अच्छे से मार पाओगे। बट एक भी थंब को हटा दोगे ना तो ऐसे बिल्कुल ढीला हो जाएगा डिवाइस, ठीक है, तो प्रॉपरली आप एम नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों थंब को स्क्रीन पे दबा के रखता हूँ और फिर हिप फायर मारता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा स्टेबल खेल सकता हूँ मैं, ठीक है, और 400 सेंसी होने के बावजूद भी काफ़ी स्टेबिलिटी से मैं मार सकता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर थ्री के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेनली आपको क्रॉस चेयर पे फोकस करना है। आप एक काम करो, एक दिन में 5 से 10 TDM खेलो, ठीक है, और 5 से 10 TDM में जिगल को भूल जाओ, जिगल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, मेनली क्रॉस चेयर पर ही फोकस करो पूरा। और 5 से 6 TDM खेलने के बाद आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अगर आप खुद की प्रॉब्लम खुद ही देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं क्रॉसर हिला रहा हूँ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर फोर, समटाइम्स क्या होता है कि हम जिगल ट्रेस करने के चक्कर में, सामने वाले का जिगल ट्रेस करने के चक्कर में क्रॉसर को ज़्यादा मूव कर देते हैं। ज़्यादा मूव से मेरा मतलब है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रूम में चल के दिखाता हूँ पहले। अब देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सामने वाला अगर कोई भी एनिमी होता है तो वो कैसे जिगल करता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये चीज़ तो हमें खेलने के बाद ही समझ में आएगी और इतने में हम मार खा चुके होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको पहले कैसे समझना है। अगर सामने वाला नॉर्मल लेफ्ट जिगल दे रहा है तो तुम्हें एक दो बार मर के समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं TDM की बात कर रहा हूँ, क्लासिक की बात नहीं कर रहा। और सामने वाला अगर टोटल लेफ्ट जिगल दे रहा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, अगर कोई बंदा इस तरह से जिगल देता है जैसे मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हो, और इस तरह से कोई जिगल दे रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो एम है, आप मेरे क्रॉसर को देखो वो कितना ज़्यादा लेफ्ट राइट जा रहा है। अगर सामने वाला बंदा एक नॉर्मल टाइप का जिगल दे रहा है तो एम ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो, एम सामने जो दो टारगेट दिख रहे हैं वहीं तक लेफ्ट राइट जा रहा है। तो कभी भी अगर आपको सामने वाले का जिगल ट्रेस करना है ना, तो आपको एम अपना सिर्फ इतना ही मूव करना है, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, ठीक है, कभी भी ज़्यादा मूव नहीं करना है। तो इसकी प्रैक्टिस मैं हमेशा इन वाले टारगेट्स पे आके करता हूँ, और ये आपने बहुत पहले वीडियोस में देखा भी होगा, और आज मैं आपको इसका रीज़न भी बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पे दो टारगेट, इन दोनों टारगेट के बीच में अपना एम ट्रांसफर करना है, इससे मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है, बस इतना सा। अगर सामने वाला लंबा जिगल भी देता है, लाइक लॉन्ग जिगल, तो भी इतना ही जिगल जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और इस तरह से तुम उसका जिगल ट्रेस कर सकते हो। और अगर तुम इससे ज़्यादा क्रॉसहेयर को मूव कर रहे हो तो समझ लो गलत है, क्योंकि कोई भी बंदा इससे ज़्यादा तो जिगल देगा नहीं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे आके क्रॉसहेयर से प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली इस वाली प्रैक्टिस से आपका एम बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगा। कभी भी अगर तुम्हें लाइक लेफ्ट में ऐसे झटका देना है, एम ट्रांसफर करना है तो ज़्यादा नहीं करना, राइट में एम ट्रांसफर करना है तो ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इन दो टारगेट की लेंथ यानी जितना ये वाइड है उतना ही एम ट्रांसफर करना है। तो आई होप यार आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना,
और अब आप थोड़ा सा गेम प्ले एंजॉय करो टीडीएम का, जिसमें मैंने बहुत ही गंदे तरीके से सामने वाले टीम को मारा है। Team is in the lead. Reloading. Enemy down. Dead. Cover me. Killing spree for the blue team. Great!